देखिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो देखिए इसका रजिस्ट्रेशन केवल वही लोग कर सकते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वही रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और वही इसका लाभ ले सकती हैं। और उसका देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और प्लस आपके पास जो बैंक अकाउंट है उस पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, यानी कि आधार भी उस पर लिंक होना चाहिए। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इस योजना के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। अगर आप शहर से हैं तो आपको 1000 रुपये धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप ग्रामीण एरिया से यानी तो यानी गांव से हैं तो आपको 1400 रुपये की धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए आप अगर उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करना कि आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट को रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ की देखिए वेबसाइट है, इसे हेल्थ डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। देखिए जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या, अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जननी सुरक्षा योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वूमेन, अगर आपका बच्चा हो आपका छोटा बच्चा है 1-2 महीने के तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करके आपको बता दूंगा क्या क्या इसमें लाभ मिलते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो करना कि आपको इसी न्यू रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर आपको क्लिक करनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही डैशबोर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनका तो उनका आपको प्रेग्नेंट लेडीज उनका आपको आधार कार्ड ले लेना है, यहाँ पर उनका नाम डालना है और यहाँ पे उनका एड्रेस पूरा डाल देना है और इनका पिन नंबर क्या लगता है वो आपको पूरा फिल कर देना है। और यहाँ पे अगर उसके हस्बैंड का नाम डाल देना है और लोकेशनलिटी क्या है वो डाल देना है, अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर रेड कलर के जो स्टार लगे हैं वो तो आपको कंपलसरी है। अब यहाँ पर मान लो रेड कलर में कोई स्टार नहीं लगा, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लगा सेलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूनिट। यहाँ पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो आपके ब्लॉक हैं वो आपके सारे ब्लॉक के नाम लेके आ जाएंगे। तो आपको जो भी ब्लॉक लगता है वो अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर गांव का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना, तो आपका गांव कौन सा लगता है वो आपको अपना यहाँ से गांव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, देखिए यहाँ गांव का नाम लिख के आ जाएगा और ANM का नाम लिख के आ जाएगा और साथ साथ में इनका मोबाइल नंबर क्या है उसके लास्ट के आपको 3 डिजिट शो होने लगेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर लिखा है मेडिकल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लास्ट मैच्योरिटी पीरियड, यानी जो आपको लास्ट पीरियड आया था वो किस तारीख को आया थे, तो यहाँ पे उनकी आपको आपको जो आशा कार्ड होता है उस पर सारी जानकारी लिखी होती है। उसके माध्यम से आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ पीरियड डाल देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना और गेट OTP पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना OTP फिल कर देना और एक कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ पे सेव वाली बटन पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए मैं इतनी जानकारी फिल करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, अब हमें करना क्या, यहाँ गेट OTP वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही देखिए OTP क्लिक करेंगे तो देखिए OTP यहाँ पर भेज दिया गया, फोल 5 मिनट के लिए वैलिड है, तो आपको OTP अपना डाल देना है। तो देखिए OTP मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, अब यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड भी फिल कर लिया। अब हमें करना कि यहाँ पे ऑप्शन देखने लगा सेव वाला, तो करना कि हमें सारी डिटेल यहाँ पे एक बार चेक करके आपको यहाँ पे सेव कर देनी है। जैसे देखिए आप सेव कर देंगे तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली RCH पोर्टल इज, देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा ANM कैलेंडर सर्विस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तो करना कि आपको ये नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि आगे चल के आपको इसी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखिए आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह का प्रिंट फॉर्म आ जाएगा। अब करना कि आपको इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना या फिर आपको डाउनलोड करके या फिर आपको मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन शॉट लेके कहीं रख देना है। देखिए इस वीडियो को मैं आज मैं स्टेटस चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको स्टेटस कैसे चेक करना। देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाली बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब करना कि यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, आपका जो मोबाइल नंबर दिया था अभी रजिस्ट्रेशन टाइम वो आपको यहाँ पर फिल कर देना और यहाँ पर आपको गेट OTP वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे देखिए यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो देखिए OTP आ जाएगा और यहाँ पर कैप्चा कोड भर के आपको सर्च वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन नंबर और देखिए यहाँ पे नाम क्या लिखा है वो ये और देखिए यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। जैसे ही आपका 7 दिन के अंदर पास हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपका पास हो जाएगा और यहाँ पे RCM रजिस्ट्रेशन ID आपकी जनरेट कर दी जाएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।